माँ लक्ष्मी और गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन धूमधाम से राप्ती तट पर बनाए गए कृत्रिम पोखरे में किया गया। आपको बता दें कि शनिवार को सुबह 10 बजे के बाद से ही महानगर में स्थापित की गई माँ लक्ष्मी की प्रतिमाओं का विसर्जन राप्ती तट पर बनाए गए तालाब में किया गया, जिसमें श्रद्धालु पूरी श्रद्धा भाव से माँ का जयकारा लगाते हुए पोखरे तक पहुँच कर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा का विसर्जन किया। वहीं नगर निगम के द्वारा राप्ती तट पर व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मूर्ति के विसर्जन वाले मार्ग पर लाइट व जनरेटर की व्यवस्था की गई है, जिससे कि श्रद्धालुओं को प्रतिमा का विसर्जन करने में किसी तरह की समस्या ना हो। जिसके संबंध में SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मां लक्ष्मी और गणेश की प्रतिमा के विसर्जन के लिए घाट पर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। घाटों पर सुरक्षा को देखते हुए बैरिकेटिंग भी की गई है। उन्होंने बताया कि घाट पर SDRF PSC की प्लाटून की भी व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा मां लक्ष्मी की प्रतिमा विसर्जन में महिलाएं भी जाती हैं, जिनके सुरक्षा के दृष्टिगत महिला पुलिस कर्मियों की ड्यूटी भी लगाई गई है एवं अराजक तत्वों से निपटने के लिए सिविल में भी पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिससे कि कोई अराजक तत्व मूर्ति विसर्जन में खलल डाले तो तुरंत कार्रवाई की जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एक माँ लक्ष्मी पूजा पंडाल के कार्यकर्ता और SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, जो पीछे से आ रहे हैं हम बराबर चलो। लक्ष्मी मैया की जय हो।
है इसका 48 साल हो गया है और ये प्रतिमा हम लोग हर साल मनाते हैं और हमारी मूर्ति जो कल्याणपुर की है हम लोग बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं और हम लोग उसके बाद 4 दिन के बाद छठ पूजा भी हम लोग वहाँ करते हैं धूमधाम के साथ। सारी महिलाएं वहाँ आती हैं, अपना पूजा पाठ करती हैं। लक्ष्मी प्रतिमा विसर्जन के लिए सभी थाना क्षेत्रों में जहाँ जहाँ भी ये विसर्जन स्थल है वहाँ पुलिस की ड्यूटियाँ लगी हैं और ये ड्यूटियाँ आज रात्रि में जब तक विसर्जन नहीं हो जाए, क्योंकि विगत वर्षों के त्यौहार रजिस्टर के अवलोकन से पाया गया है कि ये रात्रि में 12-1 बजे तक विसर्जन चलता है, जब तक ना हो जाए तब तक ये ड्यूटियाँ रहेंगी। प्रकाश की भी व्यवस्था कराने की बात की गई है, घाटों पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से बैरिकेडिंग वगैरह के लिए भी स्थानीय निकाय जो हैं उनको बताया गया है। पुलिस की ड्यूटी रहेगी। SDRF की भी एक टीम जिले में है, PAC का बाढ़ राहत प्लाटून भी जनपद में है, उसके अलावा PAC एक कंपनी इस जिले को मिली हुई है कानून व्यवस्था के लिए। सिविल पुलिस की ड्यूटियां महिला पुरुष पुलिसकर्मी सबकी लगाई गई हैं इस दृष्टिकोण से। कभी कभी इन जुलूसों में मूर्तियों के साथ महिलाएँ भी चलती हैं, तो मुकम्मल इंतज़ाम है। पूरा विश्वास है कि ये जो पुलिस की टीमें लगाई गई हैं ये सकुशल मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम को भी संपन्न कराएंगी।